राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जी हाँ, दरभंगा बिहार, दरभंगा जिला में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दूसरा कार्यालय का उद्घाटन आज दरभंगा में हो रहा है। एमएलएसएम कॉलेज के ठीक पीछे वाली गली में ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और बता दें आपको कि कार्यालय जो है वो है वसुधा रानी विवाह भवन, एमएलएसएम कॉलेज के निकट ये उनका नया कार्यालय हो रहा है। और इससे पहले वो बहादुरपुर में पहला कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, गोपाल जी ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं गोपाल जी ठाकुर फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं, सभी यहाँ पर ताली बजाकर अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद संजय सराफगी नगर विधायक के द्वारा नारियल फोड़ा जाता है, उसके बाद सभी लोगों का अभिवादन गोपाल जी ठाकुर करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों को टिक्का लगाया जाता है, चंदन किया जाता है, इस तरह से लगातार ये काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये अब धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं सभा स्थल की ओर, और वहाँ पर फूल अर्पण करने के बाद वहाँ पर कुछ देर सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा। और जैसे कि आपको पता होगा चैत्र नवरात्रि चल रहा है, आज ही सप्तमी है, आज ही पट खुल रहा है, इस तरह से सभी जगहों पर आजकल पूजा पाठ का माहौल है। ऐसे में कार्यालय का उद्घाटन, देखते रहिए भारत उदय समाचार, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माननीय विधायक संजय सराफगी जी, हमारे एनडीए के सभी घटक दल के अध्यक्ष, नगर में जितने मंडल सबके अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख बना करके उसके साथ कार्यालय जो नगर विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और हमको उसमें मौका दिए हैं। और सभी लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो लाइन पर सब लग चुके हैं। और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अजय बहुमत इस बार लाने वाला है और अपने एनडीए प्रत्याशी को विजय करवाने के लिए कमर कस चुके हैं। अपने प्रत्याशी का पासवान जी, लक्ष्मी नारायण साहू जी पूर्व अध्यक्ष जिंदाबाद, आइए सब लोग, अर्जुन सहनी जी आप हमारे नगर के कार्यकर्ता हैं, आइए चलिए चलिए रुक जाइए चार साल